नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के इस खास प्रोग्राम रहस्यमय दुनिया में। मैं आपके साथ विनीत राय आज बात करूंगा एक ऐसे गांव के बारे में जो आज तक नफरत के साय में जी रहा है, और इनके नफरत का कारण कोई और नहीं बल्कि भगवान हनुमान जी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, भगवान हनुमान जी। हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि हमें हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल भगवान देते हैं, लेकिन खुद भगवान से अगर कोई गलती हो जाए तो उन्हें सजा कौन दे सकता है? ये सोचने वाली बात है कि क्या वाकई में भगवान से भी गलतियां हो सकती हैं और वो सजा के पात्र भी बन सकते हैं। भूल केवल इंसान से ही नहीं बल्कि भगवान से भी होता है, और जिस तरह से इंसान को अपनी भूल का दंड भगवान के द्वारा दिया होता है, उसी तरह से कई बार भगवान की भूल का दंड इंसान के द्वारा भी दिया जाता है। धार्मिक रूप से भगवान को किसी भी बात के लिए दोषी मानना एक दंड के समान ही है, लेकिन उत्तराखंड में बसे ये एक गांव जो इस लोगों के सजा से कतई भी नहीं डरते हैं, और उत्तराखंड के एक गांव के लोग इस बात को सच भी साबित कर चुके हैं। हमारे देवी देवता भी गलतियां करते हैं और उन्हें सजा भी मिलती है, लेकिन इनकी नाराजगी आखिर किस देवता से है और क्यों है? यहां तक कि इस गांव के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंग बली को नहीं मानते हैं और ना ही उनकी पूजा करते हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया हनुमान जी की भक्ति को परम सुख मानता है, वहीं इस गांव में इनकी पूजा करना पूरी तरह से मना है। इतना ही नहीं, पूरे गांव में हनुमान जी का अभी एक भी मंदिर नहीं है। तो आइए जानते हैं इस गांव के लोगों की नफरत की वजह के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ उत्तराखंड में एक गांव द्रोणागिरी स्थित है जो भगवान को मानने से इनकार करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि सभी भगवान को नहीं बल्कि केवल भगवान हनुमान से नाराज है। उत्तराखंड के जनपद चमोली के जोशीमठ नीति मार्ग पर द्रोणागिरी नाम का एक गांव है। ये गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है और इस ऊंचाई से हिमालय की असली खूबसूरती को देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रची गई रामायण के अनुसार जब माता सीता को बचाने के लिए श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा वानर सेना के साथ लंका गए थे, तब एक विशाल युद्ध रावण से हुआ और इस युद्ध में समय रोज ढेरों सेनानी घायल होते थे और उनके मरहम पट्टी करने के लिए औषधियों का इस्तेमाल भी किया जाता था। जब उन्होंने भगवान हनुमान से हिमालय पहाड़ पर मौजूद संजीवनी बूटी की चर्चा की, संजीवनी बूटी एक ऐसी बूटी है जिसे शरीर पर लगाते ही पल भर में घाव भर जाते हैं। इस बूटी के बारे में सुनते ही हनुमान जी ने फौरन हिमालय पर्वत की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। जामवन ने हिमालय जाने के लिए हनुमान जी को कुछ निर्देश भी दिए और उन्होंने ये भी कहा कि प्रिय हनुमान, हिमालय पहुंचकर तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश पर्वत दिखाई देंगे और उन दोनों के बीच में औषधियों का एक भी पहाड़ है जो बहुत ही चमकीला है। वहां तुम्हें चार औषधियां दिखाई देगी जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित रहती है, और उनके नाम मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी है। जामवान के निर्देश के अनुसार हनुमान जी हिमालय पर्वत की ओर चल दिए और कुछ ही समय में हनुमान जी हिमालय पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने अनेक महान ऋषियों के आश्रम देखे तथा उन्होंने कैलाश तथा ऋषभ पर्वत भी देखे। वो दोनों पर्वत पर अपनी नजर बनाए ही हुए थे, अचानक उनकी नजर उस खास पर्वत पर पड़ी जो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। वो समझ गए कि यही वो पर्वत है जिसके बारे में जामवंत बात कर रहे थे। वो अगले ही पल उस पर्वत पर चढ़ गए और औषधियों को ढूंढने में लग गए। जैसे ही हनुमान जी पर्वत पर उतरे तो एक आश्चर्यजनक बात हुई। अचानक पर्वत पर मौजूद सभी औषधियां गायब होने लगी, क्योंकि महाऔषधियों को ये पता चल गया था कि कोई उन्हें लेने आने वाला है, इसीलिए वे गायब हो गई। औषधियों के इस प्रक्रिया पर हनुमान जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे एक या दो औषधियां नहीं बल्कि पूरा पर्वत ही अपने साथ ले जाएंगे।
हनुमान जी अपने बल के लिए बहुत ही मशहूर थे और उन्हें ऐसी शक्तियां मिली थी जिस वजह से वे अपना आकार एक पर्वत से भी बड़ा कर सकते थे। अपनी ताकत से हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने दाहिने हाथ में आसानी से उठा लिया और वापस लौट गए और जल्द ही हनुमान जी वापस उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री राम और लक्ष्मण के साथ वानर सेना उनका इंतजार कर रही थी। हनुमान जी का इंतजार कर रही वानर सेना को लगा कि हनुमान जी कम से कम मुट्ठी भर से ज्यादा औषधियां लेकर आएंगे जिससे कुछ सेनानियों के घाव तो भर ही जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को आते हुए देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हनुमान जी थोड़ी बहुत औषधियां नहीं बल्कि औषधियों से भरा हुआ पर्वत ही उठाकर ला रहे थे। हनुमान जी ने पर्वत को जमीन पर रखा और अपनी सेना को जल्द से जल्द औषधियां एकत्रित करने का आदेश दिया। इन औषधियों के इस्तेमाल से बहुत जल्द लक्ष्मण तथा सेनानियों के घाव भर गए और वे स्वस्थ महसूस करने लगे। इसके बाद ही जामवंत के बताने पर हनुमान जी औषधि लेने हिमालय गए थे, लेकिन औषधियों के अलावा जामवंत के द्वारा एक और बात बताई गई थी और उन्होंने कहा कि लंका में सुपेश नाम का एक वैद्य रहता है और वो हमारी इसमें मदद कर सकता है। तब हनुमान जी तुरंत सुपेश वैद्य को भी लेकर आए। तब इस वैद्य ने ही हनुमान जी को उस पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी से उसे लाने के लिए कहा था जिससे औषधि के इस्तेमाल से लक्ष्मण तथा वानर सेना ठीक हुई थी। इस कहानी से जुड़ी एक और बात बहुत प्रसिद्ध है और वो ये है कि रावण को इन सारी बातों का पता लग जाना और जैसे ही रावण को पता लगा कि लक्ष्मण को ठीक करने के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं और उसने उनके रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए कलनेम दैत्य को भेजा था, लेकिन हनुमान जी उसे हरा कर हिमालय की ओर आसानी से चल दिए। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी पर्वत उठाकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में वो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी उन्हें जाते हुए श्री राम के भाई भरत ने देख लिया था और उनको लगा कि कोई राक्षस पहाड़ उठाकर ले जा रहा है, जिस कारण उन्होंने अपना बाण हनुमान जी पर चला दिया था। हनुमान श्री राम का नाम लेते ही नीचे गिर आए थे और जैसे ही वो धरती पर आए तो उन्होंने भरत को सारी बात बताई कि कैसे माता सीता को एक राक्षस रावण ले गया और उनकी रक्षा के लिए श्री राम जी के द्वारा युद्ध लड़ा जा रहा था, इसीलिए वे लक्ष्मण तथा वानर सेना के घावों को भरने के लिए औषधियों से भरा पर्वत ले जा रहे थे। तब भरत को सारी बात का पता चला तो उन्हें बहुत निराशा हुआ और बाद में हनुमान जी फिर से आकाश में उड़ गए और उस स्थान की ओर चल दिए जहां लक्ष्मण तथा वानर सेना घायल हुए थे। उत्तराखंड की इस सुंदरता के साथ यहां इस गांव के लोग अपने मन में एक नाराजगी लगाए बैठे हुए हैं और वो हनुमान जी से बहुत असंतुष्ट और उनको अपना भगवान भी नहीं मानते। आपको बताते चले कि गांव के लोगों का मानना है कि हनुमान जी रामायण युग के समय जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर ले गए थे वो वहीं पर मौजूद था और गांव के लोगों के द्वारा इस पर्वत की पूजा भी की जाती थी और अब जब वो पर्वत भी यहां नहीं रहा तो लोग पूजा किसकी करें। यही वजह है कि यहां के लोग हनुमान जी के द्वारा पर्वत उठा ले जाने से नाराज हो गए और उनकी पूजा भी नहीं करते। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग भगवान हनुमान का पवित्र माना जाने वाला लाल झंडा भी नहीं लहराते। हिंदू धर्म में हनुमान जी को विशेष सम्मान दिया जाता है और उन्हें उनके स्वामी भगवान श्री राम के समान ही पूजनीय भी माना जाता है। जब किसी को डर सताता है तो उसे हनुमान चालीसा ही याद आती है और उसके सारे डर दूर भाग जाते हैं। बजरंग बली शक्ति के देवता माने जाते हैं और अगर हम तुलसीदास की रामायण की बात करें तो वो कलयुग में भी जीवित रहेंगे और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। हनुमान जी के बारे में ये सारी बातें उन्हें भक्तों का प्रिय बनाती हैं, लेकिन इस देश का ये एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ के सभी रहवासी पवन पुत्र हनुमान जी से खफा हैं और सिर्फ खफा ही नहीं बल्कि इस कदर खफा हैं कि कभी भी उनकी पूजा भी नहीं करते हैं। भक्त भगवान से खफा
ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये इस गांव की सच्चाई है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।